हेलो गाइस, तो गाइस इस वाले वीडियो के अंदर मैं तुम लोगों को बताने वाला हूँ तुम लोग मल्टीप्लेयर और बहुत सारे माइनक्राफ्ट प्लेयर्स और सर्वर्स के अंदर तुम लोग कैसे खेल सकते हो बहुत सारे प्लेयर्स एक सेकंड। तो गाइस ये वाला वीडियो डिवाइडेड है तीन पार्ट में, एक है जावा एडिशन, एक है पॉकेट एडिशन और एक है एसके लॉन्चर के लिए। गाइस ये वीडियो देख के तुम लोग पूरी तरीके से अंदाजा लगा सकते हो कि तुम लोग माइनक्राफ्ट मल्टीप्लेयर क्या होता है और की के लिए हम लोग को कैसे लॉगिन बनाना है, आईडी बनाना है, रजिस्टर कैसा करना है, ये सब कुछ मैंने बताया। तो आप लोग ये एक वीडियो देख के सब कुछ पता लगा सकते हो। अगर गाइस आप लोग को सब कुछ पता है तो आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करो तो पहले सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बिना सब्सक्राइब के कमेंट्स नहीं दिखता। तो आपको सबसे पहले इधर से जाके कॉन्फिग अकाउंट में जाके यहाँ पे आपको नाम डालना पड़ेगा, ठीक है। तो सब ऑथर है ये तीसरे वाले नंबर के ऊपर, मतलब बटन के ऊपर क्लिक करना, सबसे पहले नाम डाल देना जो भी डालना है। ऐड के अंदर जाके यहाँ पे आपका नाम डाल देना, समझो मैं डाल रहा हूँ पोकेमोन गो, ऐसे ही लिख रहा हूँ। फिर यहाँ पे जा रहे हैं ऑथराइज विदाउट अ पासवर्ड, ऐसे ही वो अकाउंट कर देना है। ये बन गया आपका अकाउंट और ये यहाँ पे इसके ऊपर एक बार क्लिक करके सेव एन अकाउंट कर देने का, एंटर दी गेम कर देगा, ये डाउनलोड करके एंटर गेम कर देगा आपका अकाउंट पोकेमोन गो से, ये हो गया। फिर मैं फर्स्ट चीज हो गया कि आपको सर्च करो टी लॉन्चर, ठीक है। फिर यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करो और यहाँ पे आपका आईडी बना लो, लॉग इन कुछ भी नाम डालो, यहाँ पे ईमेल डाल दो, ब्लर कर दूंगा, पासवर्ड कुछ भी डाल दो, कन्फर्म पासवर्ड और फिर लॉग इन कर लो, मतलब क्या ना फिर ऑटोमेटिक लॉग इन हो जाते हैं, नहीं तो आप यहाँ पे जाकर सीधा लॉग इन कर सकते हो। इंटू के अंदर खेलना है, इसके अंदर मैं पीवीपी भी खेल सकता हूँ, लाइव स्ट्रीम भी खेल सकता हूँ, सर्वाइवल भी खेल सकता हूँ। तो ये आईपी है, इसको मैं ले लूंगा, एड सर्वर के अंदर जाऊंगा, यहाँ पे कुछ भी मैं नाम दे सकता हूँ, शब्द यहाँ पे मैंने दे दिया पीओके, पीओके नहीं पोकेमोन नहीं, कुछ और नाम देते, यहाँ पे समझो मैंने दे दिया पीवीपी वन, ठीक है। मैं इसके अंदर सबसे ज्यादा पीवीपी खेल जा रहा हूँ और फिर यहाँ पे मैंने आईपी डाल दिया, ठीक है। तो गाइस मैंने अभी अपना अकाउंट चेंज कर दिया, इन गेम अकाउंट का भी वो सब होता है, मैं आपको कभी और बताऊँ क्या। तो आप लोगों को अंदर जाने के बाद क्या करना है, तो आप लोगों को सबसे पहले जो मैंने सर्वर यहाँ पे डाला था उसको अंदर जाना है, यहाँ पे ज्वाइनिंग करके आएगा, फिर आप लोगों को थोड़ा देर वेट करना है, नेटवर्क चेक करेगा, बी के अंदर है तो भी यही करना पड़ता है। मैं इसी सर्वर को मोबाइल से भी ज्वाइन करके दिखाता हूँ, तो आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा कैसे मोबाइल से होता है। तो यहाँ पे हम लोग चले गए, तो यहाँ पे मेरा लॉग इन नहीं है, ठीक है, वो बोल रहा है कि रजिस्टर करो, तो आप लोग स्लैश /REGISTER रजिस्टर करा, कुछ भी पासवर्ड रख दो, मैं रखता हूँ 123, नहीं 123 123, दो बार पासवर्ड लिख। तो गाइस एक बार आप लोग ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, फिर आप लोग मूव कर सकते हो, खेल सकते हो, कहीं भी किसी के अंदर भी जाके लॉग इन कर सकते हो, जैसे कि मैं पीवीपी के अंदर जा रहा हूँ, मेरे को पीवीपी के अंदर आके मैं कुछ भी खेल सकता हूँ, समझो मेरे को क्रिस्टल खेलना है तो मैं क्रिस्टल क्रिस्टल फ्लैट खेलना चाहता हूँ। अभी गाइस बात करते हैं एसके लॉन्चर की, तो एसके लॉन्चर से अगर आप लोगों को लॉग इन करना है तो यहाँ पे सबसे पहले यूजर आईडी कोई भी डाल दो, 02 समझो डाल दिया, यहाँ पे लॉग इन ऑफलाइन किया तो ये ऑलरेडी है, तो मैंने स्पेस डाल दिया था, है अगर समझो मैंने वहां पे कैसे गया आपको नहीं समझ आ रहा, तो यहाँ पे आके मैंने ये डाला 06, इसको लॉग इन कर लिया। अभी मैं यहाँ से कौन सा भी एक माइनक्राफ्ट डाउनलोड करके प्ले पे ऊपर क्लिक कर दूंगा, लेट्स गो। तो गाइस अब हम बात करते हैं फोन के अंदर तुम लोग कैसे सर्वर्स के अंदर खेल सकते हो। कुछ सर्वर्स जावा एडिशन के लिए भी काम करते हैं, कुछ पॉकेट एडिशन के लिए। एक सेकंड, ये किसका फोन आ रहा है? पापी, हेलो रोहन भाई, मुझको प्लीज सर्वर में कैसे खेलते हैं सिखाओ ना। तो रुक जा भाई, वही वीडियो बना रहा हूँ, एक सेकंड। तो गाइस अब बात करते हैं अपने फोन की। तो गाइस एक बार आप लोग ने फोन के अंदर लॉग इन कर लिया, अगर आपने वो सब कर लिया तो यहाँ पे सर्वर्स का ऑप्शन होता है लास्ट वाले में। तो गाइस उसके पहले आपने को साइन इन करना कंपलसरी होता है, तो वहाँ पे नीचे साइन इन का बटन होगा वो दबाने का। तो गाइस साइन इन के लिए तो बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, तो मैं तुम लोगों को सीधा सर्वर कैसे ज्वाइन करने का और रजिस्टर कैसे करने का ये बता देता था। तो गाइस सबसे पहले तुम लोगों को सर्वर वाले जिस पे एरो दिख रहा है वहाँ पे क्लिक करके अपने सर्वर का जो भी नाम देना है वो नाम लिख सकते हो, जैसे कि मैं अभी बिल्टू लिख रहा हूँ क्योंकि मैं बिल्टू ज्वाइन करने वाला हूँ। उसका आईपी डिस्क्रिप्शन के अंदर होगा, डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लेना या फिर आईपी देख लेना, पोर्ट भी होगा, जो भी बेस्ट सर्वर होगा वो सब दिखा रहेगा। फिर वहां से ज्वाइन के ऊपर क्लिक करने का, मैंने ज्वाइन किया, यहाँ पे आएगा फिर लोडिंग सर्वर, लोकेटिंग सर्वर, वो आने के बाद तुम लोग सीधा सर्वर के अंदर ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद अगला वाला स्टेप होता है
की रजिस्टर करना। रजिस्टर करना है मैं बता दूं तो यहाँ पे लोडिंग होने है, लेट्स गो होगा, फिर हम लोग सर्वर के अंदर आ जाएंगे। ऊपर मैसेज के ऊपर क्लिक करने का, वहाँ पे आएगा रजिस्टर, फ्लैश रजिस्टर लिखने का, और जो भी पासवर्ड लिखने हो, लिखने के बाद तुम लोग खेल सकते हो अभी कंटिन्यू सर्वर के अंदर। अब गाइस बात करते हैं पॉकेट एडिशन के अंदर अपने दोस्त के साथ कैसे खेल सकते हैं। तो एक है एटर्नोस वाला मेथड जिसके साथ तुम लोग खेल सकते हो, नहीं तो अपने दोस्त के गेमर टैग से भी तुम लोग खेल सकते हो। ये एक स्पेशल फीचर है, जो फोन नंबर है उसके ऊपर अपने दोस्त का नाम लिखो, जो दोस्त का फोन करके लिखा है उसके अंदर अपना नाम लिखो, दोनों का नाम सर्च करो, ऐड फ्रेंड के ऊपर दोनों के अंदर भी क्लिक कर दो, दोनों फ्रेंड बन जाओगे। उसके बाद कोई एक दोस्त अपना जो है वर्ल्ड बनाएगा, जैसे कि मेरा दोस्त अभी अपना वर्ल्ड बनाया और वो वर्ल्ड के अंदर चला गया। थोड़ी देर बाद मुझे यहीं पे फ्रेंड वाले सेक्शन के अंदर उसका नाम दिख जाएगा, एक दो सेकंड के बाद मेरे को दिखना चाहिए, रुको थोड़ा दिख जाएगा। तो गाइस ये देखो दिख चुका है, अभी मैं उसके ऊपर क्लिक कर लूंगा, मेरे को ज्वाइनिंग का वो आ जाएगा ये वाला पेज। तो यही पे मेरे को लोकेटिंग सर्वर देन लोडिंग रिसोर्सेस फिर लेट्स गो करके आएगा, मैं उसके साथ बैठ के खेल सकता। तो गाइस तुम लोग ऐसे करते हुए पॉकेट एडिशन के अंदर भी अपने दोस्त के साथ खेल सकते हो और इंजॉय कर सकते हो। तो गाइस बाय बाय, मिलते हैं अगले अंदर, बाय बाय। और नहीं दिख रहा होगा तो तुम लोग वहाँ पे दोस्त के फोन के अंदर इनवाइट के अंदर जाके वहाँ पे भी दिखता है, ऊपर दो वाले पे क्लिक करने का, वहाँ पे इनवाइट फ्रेंड करके आता है, वहाँ पे अपना नाम देने का, इनवाइट कर देने का, लेट्स गो, चलो बाय बाय।